हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली। इस ब्लॉग में हम होली खेल रहे हैं दोस्तों के साथ और बाद में हम पान की खेती बरेजे देखने भी जाएंगे, तो कृपया अंत तक जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। तुम तो ना अच्छे से लगा दो यार, ना अब लगे तो एकदम अलाउद्दीन जैसे। जब तुम्हें झरा लेना फिर कहना लोग आएगा भाई। तुम्हें भी अच्छे से बनाऊंगा और एक दिन लोग में फोटो ना लाल वाली लाल ही गुलाल है। हमारे बहुत इको फ्रेंडली है, कलर नहीं लगाते हैं ना लगवाते हैं। आईफोन से एक आधु सेल्फी एल भी अंदर आ गई है मेरे। ये मेडा दूसरे प्रकार के कैसे हैं, मतलब तुम्हें बताई जाती है? बिल्कुल बताई जाती है जी। तुम बाबूरी भी खाली कर दो। तुम बाबूरी एक एक चश्मा। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। ये हमारे मित्र साहब सिंह और राहुल हैं, जो कि बहुत दूर से हमसे मिलने के लिए इस होली पर आए हुए हैं। होली अब हम लोगों ने खेल ली है और अब नहाने के लिए हम सीतांशु के कुआं पे जा रहे हैं। इस बार की होली बाकी होलियों से थोड़ी अलग है क्योंकि हमारा एक दोस्त हमसे मिलने के लिए आया हुआ है जिसका नाम साहब सिंह है, और नहाने के बाद हम उनको पान की खेती, जो पान के बरेजे होते हैं, वो भी दिखाएंगे। इस बार हम लोगों का होली खेलने का मन नहीं था क्योंकि बैक टू बैक शादियां और फंक्शंस चल रहे थे, इस वजह से सभी लोग काफ़ी थके हुए थे। लेकिन फिर साहब सिंह के आने की वजह से फिर हम लोगों ने होली खेलने का प्लान बनाया। लाइट नहीं है जिस वजह से हम नहा नहीं पाएंगे, तो अब हम सीधे पान के खेत बरेजे देखने के लिए जा रहे हैं। बनने के पहले
पान नहीं लगता। इस तरीके से पान के बरेजे तैयार किए जाते हैं जिसमें क्यारियाँ होती हैं और सनलाइट और धूप से बचाने के लिए लगाया जाता है। तो ये अभी खेत जस्ट तैयार हुआ है। पान की खेती के लिए ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की तरह ही एक इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सारा सब कुछ कवर्ड है और लिमिटेड लाइट और लिमिटेड टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। और इस तरह की खेती सालों से की जा रही है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर काफ़ी बदल चुका है, मौसम और ऋतुएँ भी काफ़ी बदल चुकी हैं, जिस वजह से अब इस तरह की खेती में उतना प्रॉफिट नहीं रह गया है। पान के जो पौधे होते हैं वो मनी प्लांट की तरह ही होते हैं दिखने में, और इनको सहारा चाहिए होता है तभी ये ऊपर बढ़ पाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पान की फसल बिल्कुल तैयार है कटाई के लिए। एक ज़माने में हमारे यहाँ से पान देश के हर एक कोने में और कई अन्य देशों में भी सप्लाई किए जाते थे, लेकिन अब ऐसा हाल नहीं है। अब उतना प्रॉफिट नहीं रह गया है और काफ़ी नुकसान काफ़ी लोगों को झेलना पड़ता है, जिस वजह से उन्होंने पान की खेती बंद कर दी। हेलो गाइस, हाउ आर यू? हम मुझको नहीं बोलो भैया, ब्लॉक के जो सारे लोग हैं उनको बोलो। हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? बड़े हैप्पी होली सबको। हैप्पी होली बोलो, हैप्पी होली बोलो जल्दी से, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हाय हाय, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, आई डोंट नो, हैप्पी होली। वॉलीबॉल खेले हैं इस वाले खेत के बाजू वाले के लॉकडाउन पास। दो दो तीन तीन घंटे गर्मियों में लगाए, चार से छह लॉकडाउन में हम लोग समोसे बहुत खाए। हैप्पी होली। कैसी का आई? अरे बढ़िया। एक बार फिर से आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं और ब्लॉग देखने के लिए शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसा लगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए।